वेलकम बैक एंड बिलीव मी दोस्तों, आज का जो रेसिपी है वो ऑसम बनने वाली है। तो प्लीज कीप वाचिंग ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल किचन 11। तो चलिए देरी ना करके आप दोस्त अदिति के साथ किचन में। यहाँ पर हमने 400 ग्राम चिकन लिया है। अब इसमें 4 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून मिंस गार्लिक, 1 टीस्पून सोया सॉस को मिक्स कर लेंगे। अब एक ग्रेटर की मदद से ऑरेंज का जो छिलका है उसे थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। अब एक अंडे को इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे अब 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप अभी भी इसे फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करके अब हम एक एक करके इसमें चिकन देंगे। इसी तरह और रेसिपी सीखने के लिए आपका किचन 11 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चिकन फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम करके इसमें चॉप किया हुआ 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सॉटे करके इसमें 1/2 कप अनियन ऐड करेंगे। अनियन जब थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो तो इसमें ग्रीन कैप्सिकम और रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर ऐड करेंगे। स्लाइस किया हुआ 3 से 4 ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून टमेटो सॉस और 1 टेबलस्पून हनी ऐड करेंगे। अब इसमें 1 कप फ्रेश ऑरेंज जूस थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। ऑरेंज जूस ऐड करने के बाद इसमें अब हम फ्राइड चिकन ऐड करेंगे। एक टीस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करके गैस को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए आपका ऑरेंज चिकन रेडी है। कैसा लगा आज का ऑरेंज चिकन, है ना ऑसम? तो जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सेव वाटर।